फ्रेंड्स, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आजकल हम देखते हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर सभी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियसनेस डाइनिंग टेबल पर तो तुरंत दिखती है। जब हम कुछ खरीदते हैं, जो खाते हैं, जो काम करते हैं, हर चीज में ये जरूर देखते हैं कि इसका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर कोई सोचता है कि कहीं मुझे तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, लंबे समय मुझे मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। हमें सिर्फ आज की चिंता नहीं होती, बल्कि ये भी सोचते हैं कि आगे चलकर भी इसका क्या प्रभाव होगा। मेरा मानना है यही सोच बिजनेस और सोसाइटी की प्लेनेट को लेकर के भी होनी चाहिए। जितनी चिंता मुझे मेरे हेल्थ के लिए हो और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में वो मेरा तराजू हो, तो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में प्लेनेट को क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी हेल्थ का क्या होगा, यह भी तो हमारी जिम्मेवारी है। हर फैसले से पहले ये जरूर विचार किया जाना चाहिए कि इसका हमारी धरती पर क्या असर होगा। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के पीछे यही भावना है। इसका मकसद दुनिया में प्रो प्लेनेट पीपल, इस प्रकार का एक समूह तैयार करना, एक आंदोलन खड़ा करना है। हर लाइफस्टाइल डिसीजन का बिजनेस वर्ल्ड पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। जब लाइफस्टाइल और बिजनेस दोनों प्रो प्लेनेट होंगे तो अनेक समस्याएं वैसे ही कम हो जाएगी। हमें इस बात पर बल देना होगा कि अपने जीवन, अपने बिजनेस को हम कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से डालें। भारत ने बिजनेस के लिए ग्रीन क्रेडिट का फ्रेमवर्क तैयार किया है। हम लोग इतने दिनों से कार्बन क्रेडिट में ही उलझे हुए हैं और कुछ लोग कार्बन क्रेडिट का मजा भी ले रहे हैं। मैं दुनिया के सामने ग्रीन क्रेडिट की बात लेकर के आया हूं। ग्रीन क्रेडिट जो प्लेनेट पॉजिटिव एक्शन पर जोर देता है, मैं ग्लोबल बिजनेस के सभी दिग्गजों से आग्रह करता हूं, कोई इससे जुड़े और इसे एक ग्लोबल मूवमेंट बनाएं।